आज हम ये डिज़ाइन सीखेंगे। डबल कलर में ये डिज़ाइन है, ये बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। आप इसको बच्चों की स्वेटर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने टू टू के मल्टीपल लिए हैं। इसमें आप टू की मल्टीप्लिकेशन में फंदे लेंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। पहले हमारी पूरी रो जो है एक सीधी बनाएंगे और एक पूरी रो उल्टी बनाएंगे, जैसा हम नॉर्मली बुनते हैं। एक सीधी और एक उल्टी बनाने के बाद फिर से इसमें धागा चेंज करेंगे, दूसरा धागा इसमें ज्वाइन करेंगे। एक फंदा, दो फंदे हम बुन लेंगे इस तरह से। जो यहाँ पे ये बीच से एक फंदा लेना है, फिर दो फंदे जो नॉर्मल है वो बुनेंगे, फिर एक मिडल से लेंगे दो फंदों के बीच से, फिर दो फंदे सीधे, फिर यहाँ से बीच से एक लेंगे, फिर दो फंदे नॉर्मल सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा नीचे से लेंगे, दो फंदों की जो लाइन होती है उनके बीच में से एक फंदा लेना है। इस तरह से हमारी ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। दो नॉर्मल फंदे बुनेंगे और एक फंदा नीचे से लेंगे। लास्ट तक हमारी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। यहाँ पे भी एक हम मिडल में से एक फंदा लेंगे, लास्ट का फंदा नॉर्मल सीधा। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से हम क्या करेंगे कि जो फंदे हमने नीचे से उठाए हैं, देख सकते हैं आप, इनको बिना बुने रखेंगे और बाकी के दो फंदे बुन लेंगे। जो ये फंदे हैं इनको बिना बुने उतारेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे। हमारी बैक साइड की पूरी रो इसी तरह से बनेगी आगे तक। नेक्स्ट रो, अब हम धागा चेंज करेंगे फिर से। पहला फंदा बुना, अब इन दो फंदों को इकट्ठे बुनना है। एक जो हमने नीचे से लिया था, एक जो नॉर्मल है, अब इस फंदे को इस तरह से लेना है और दूसरे फंदे को इसमें से निकालना है। फिर इन दोनों फंदों को इकट्ठे बुनना है और फिर दूसरे फंदे को इसमें से निकालना है और फिर इसको ड्रॉप कर देना है। फिर सेम यही, दो फंदों को इस तरह से बुनना है, फिर दूसरे फंदे को भी इसमें से निकालना है इस तरह से। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये बनाने के लिए डिज़ाइन है। बहुत इजीली ये बन जाता है। इसी तरह से ये पूरी रो हम रिपीट करेंगे। पहले दो आगे के फंदे बुने, एक नॉर्मल, एक जो हमने नीचे से फंदा लिया था, फिर दूसरे फंदे को इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी रो सेम लास्ट तक कंप्लीट होगी। लास्ट का फंदा भी हम इसमें से निकाल देंगे और इसको बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी। हम
अब हम बैक साइड की रो बुनेंगे। ये वाली जो रो है ये बैक साइड की पूरी उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे। ये हमारी उल्टी रो बन गई है। अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। पहला फंदा लिया, फिर यहाँ से दो फंदों के बीच में से, ये जो दो स्ट्रैंड्स है इसके बीच में से एक फंदा लेंगे, फिर दो फंदे नॉर्मल, फिर दो स्ट्रैंड्स में से एक फंदा लेंगे, दो फंदे नॉर्मल बुनेंगे, फिर से दो स्ट्रैंड के बीच में से एक फंदा लेंगे। इसी तरह से हमारी ये पूरी रो बनेगी, सेम जैसे हमने पहले बनाई। जो बीच के गैप है उनमें से हमने एक फंदा निकालना है और फिर दो फंदे नॉर्मल सीधे। इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बैक साइड से अब हम इसमें दो फंदे बुन लेंगे। जो ये हमने फंदा उठाया इसको बिना बुने उतारेंगे और जो दो दो फंदे हैं इनको हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट फिर से सेम वही धागा चेंज करेंगे, दो फंदों को इकट्ठे बुनेंगे इन दोनों को, फिर इस फंदे को लेंगे और दूसरा फंदा भी इसमें से निकालेंगे और बुन लेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट दो को बुना, फिर दूसरे फंदे को इसमें से निकाला और इसको ड्रॉप कर देंगे। ये पूरी रो इसी तरह से बनेगी। इस तरह से ये कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद ही इस तरह से डिज़ाइन आता है और बैक साइड से देखने में इस तरह से लगता है। आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजीली बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको कार्डिगन में भी यूज़ कर सकते हैं।